नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं फंडलैंड बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं एसएससी सीपीओ का सेफ स्कोर, टीयर वन प्लस टीयर टू दोनों को मिला के क्या रह सकता है। एक वीडियो आपके पास आई थी जिसमें आप सभी ने देखा कि एक सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए आपके लिए टीयर टू में, लेकिन आप सभी के सवाल थे कि हमें पोस्ट वाइज बताया जाए कि हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा एनालिसिस लेके हम आ गए हैं, पोस्ट वाइज पूरी टेबल पूरा चार्ट रेडी हो गया है, पूरी मेहनत आपके लिए हो गई है, पूरा आपके लिए बेस बन चुका है कि आपके पास कितना होना चाहिए। एक डीप एनालिसिस करने के बाद सबसे पहले आप टेबल समझ लीजिए। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस की बीएसएफ सीआईएसएफ जितनी भी वैकेंसी है वो लिखी हुई हैं, यहाँ पे मेल फीमेल लिखा हुआ है। हम मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन ईएडब्ल्यूएस सबके बारे में आज बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे कि आपकी कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हो दिल्ली पुलिस की, तो देखिए दिल्ली पुलिस में अगर आप मेल्स की बात करते हो तो आपको 310 प्लस के नंबर लेने की जरूरत है। ओबीसी की बात करते हैं तो आपको 305 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। एससी की बात करते हो तो आपको 285 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। एसटी की बात करते हो तो आपको 280 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस में आपको 290 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था आपके मेल्स के लिए। अब फीमेल्स के लिए देख लेते हैं। फीमेल्स में 300 प्लस नंबर आपको लेने की जरूरत है, जर्नल में 290 अगर आप ओबीसी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 260, एसटी से हैं तो आपको 250 प्लस नंबर लेने की जरूरत है, ईडब्ल्यूएस में आपको 280 प्लस नंबर लेने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस में अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो जर्नल में आपको 100 नंबर लेने की जरूरत है, ओबीसी में आपको 90 नंबर लेने की जरूरत है, एससी में आपको 85 नंबर लेने की जरूरत है, एसटी में 79 नंबर लेने की आपको जरूरत है। अगर इतना आप स्कोर लेके चलते हैं फाइनल, तो आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, आप पूरी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिर्फ एग्जाम तो चीज ही क्या है। अगर बीएसएफ की बात करते हैं तो आपके पास 295 प्लस नंबर फॉर मेल्स एंड 285 प्लस नंबर फॉर फीमेल्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 290 ओबीसी के लिए 290 प्लस और 275 प्लस नंबर आपके पास फीमेल्स के ओबीसी के लिए होने चाहिए, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए आपके पास 250 प्लस नंबर होने चाहिए। अगर इसमें बात करते हैं 220 प्लस आपके फीमेल्स के लिए होने चाहिए, ठीक है। 245 प्लस नंबर बीएसएफ के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप बात करते हैं गर्ल्स में तो ये आपके पास 210 प्लस नंबर होने चाहिए। अगर आप बात करते हो ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के, तो ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स के 260 प्लस, और अगर मेल्स में बात आप करते हो तो आपके पास 270 प्लस नंबर होने चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करते हो तो आपके पास 200 नंबर होने चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ द बीएसएफ, ठीक है। अब ये बीएसएफ का हो गया दिल्ली पुलिस। अब देखते हैं सीआईएसएफ का। अगर सीआईएसएफ की बात करें तो मेल्स में आपके पास 310 प्लस नंबर होने चाहिए, टोटल मिला के आपके पास टीयर वन टीयर टू के 310 नंबर होने चाहिए, जिससे कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सके। अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो आपके पास 295 प्लस होने चाहिए। ओबीसी की बात करें तो आपके पास मेल्स में 305 प्लस, फीमेल्स की बात करें तो 283 प्लस नंबर आपके पास होने चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके पास 283 प्लस फॉर मेल्स एंड 280 प्लस फॉर फीमेल्स। अगर एसटी की बात करें तो 278 प्लस फॉर मेल्स एंड 280 प्लस फॉर फीमेल्स। और अगर आप बात करते हैं अब ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में इनके पास 280 प्लस नंबर होने चाहिए, और अगर आप बात करते हो मेल्स में तो आपके पास 290 प्लस नंबर होने चाहिए, और अगर रही बात एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन आपके पास 240 प्लस नंबर होने चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की, तो आपके पास 290 प्लस फॉर मेल्स एंड 280 प्लस फॉर फीमेल्स नंबर आपके पास होने चाहिए। मेल्स के लिए अभी ओबीसी के लिए 280 प्लस, एससी के लिए 250 प्लस, आपके पास एसटी के लिए 230 प्लस,
बात कर लेते हैं 260 प्लस 4 EWS और EXM के लिए 200 के करीब नंबर। गर्ल्स की बात करें तो 273 प्लस 4 OBC, 225 प्लस 4 SC, 220 प्लस 4 ST एंड 265 प्लस 4 EWS गर्ल। ये स्कोर आपके पास CRPF के लिए होना चाहिए ही चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं ITBP की, तो ITBP में आपके पास 300 प्लस मेल्स में जर्नल, 290 प्लस OBC, 270 प्लस आपके पास SC, 260 प्लस आपके पास होना चाहिए SC ST के लिए, और आपके पास 275 मार्क्स होने चाहिए मेल्स प्लस में आपके पास EWS, और एक्स सर्विस मैन के लिए आपके पास 200 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात कर लेते हैं ITBP में, तो आपके पास 280 प्लस फीमेल्स का जर्नल, 275 OBC, 220 SC, 220 प्लस ही आपके पास ST के लिए, और 260 आपको प्लस में लेने पड़ेंगे EWS के लिए। तो ये था आपका ITBP का। फटाफट बात कर लेते हैं SSB से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एक एक करेंगे तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझते जाना। SSB के लिए आपके पास 310 प्लस मेल्स में और 300 प्लस 4 फीमेल्स के लिए, ठीक है, 305 OBC मेल, 290 OBC गर्ल, 270 SC मेल, 250 फीमेल्स के अंदर SC, 265 ST मेल, 240 प्लस ST फीमेल, आपके पास 275 EWS मेल एंड 270 आपके पास EWS गर्ल, और आपके पास रहेगा 200 नंबर ESM का। तो अगर आप SSB में जॉब चाहते हैं तो ये आपके पास फाइनल स्कोर इतना आपको अचीव करना पड़ेगा, आपको टारगेट इतना रखना पड़ेगा। अगर बात कर लेते हैं CISF के अंदर, तो मेल्स में 290 प्लस आपको लेने पड़ेंगे, 285 प्लस फीमेल्स में जर्नल, 275 प्लस फीमेल्स में OBC। अगर मेल्स की बात करें तो 280 प्लस, बात करते हैं SC में तो 235 प्लस फॉर मेल्स एंड 210 प्लस फॉर फीमेल्स। अगर बात करते हैं ST में तो 245 प्लस फॉर ST मेल्स एंड 220 प्लस फॉर ST फीमेल्स। अगर बात करते हैं EWS में 274 प्लस फॉर मेल्स एंड 260 प्लस फॉर फीमेल्स, और एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो 190। दोस्तों ये आपके सामने मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। टीयर वन और टीयर टू में आपको अगर यही टारगेट आप लेके चलते हो जो आपके सामने है पोस्ट वाइज, तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। आप लिख के ले लो सफेद पेपर पे, आप मेरा अंगूठा ले लो, आपका अगर कोई भी इतने नंबर लेने पे सिलेक्शन रोक दे तो आपके लिए ये बिल्कुल, आप अगर टारगेट बना के चलोगे तब भी आपके नंबर 10-15 इससे कम ही आएंगे। अगर आप 310 का टारगेट लेके चल रहे हो तो मत मानना आप 310 में से 310 ले लोगे, आपके नंबर जो आएंगे वो 295 के करीब आएंगे, 290 के ही करीब आने। तो अपना टारगेट इतना रख के चलोगे तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब होके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना फिर आप किसी ना किसी वीडियो पे हर किसी से पूछोगे सर नॉर्मलाइजेशन बाद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको अपना टारगेट यही लेके चलना है, यही आपको सब कुछ करना है। ये अगर आप लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है, ये बिल्कुल गारंटी है। तो दोस्तों अब आपके अंदर ये आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो करते हैं नहीं करता, इसमें अब मेरा कोई भी वो नहीं है। आपके सामने आपका टारगेट रखा है, अगर आप मानते हो बहुत अच्छा, नहीं मानते तो उससे भी अच्छा, करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि आप सभी अपना दिमाग लगाते हो, दूसरा क्या बोल रहा है वो तो सब बेवकूफ है। तो चलो ठीक है, अपना काम बताना था, मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन ये बता दिया है, इसके आसपास तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन के पास पहुंच पाओगे, वरना लास्ट टाइम पे आके सारी बाजी जीत के हार जाओगे, याद रखना इस बात को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।